हे एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन की उससे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी एजुकेशन के ऊपर उसने जो है वो पूरे वर्ल्ड को जो है वो ग्लोबल कर दिया हमारी लर्निंग को जो है वो बिल्कुल ही ईजी कर लिया है इसी के साथ साथ जो है ग्लोबलाइजेशन uh, के जो है वो प्रॉफिट्स बेनिफिट्स के साथ साथ जो थे वो हमें हार्मफुल uh, इफेक्ट्स भी जो थे वो फेस करने पड़े थे और उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो थे वो फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन की जो थे वो बात की थी नाइन uh, में यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल कमीशन जो था वो तैयार किया गया था इसका गठन किया गया था जिसके जैकस टीलर जो थे वो चेयरमैन थे 1996 में जो थी वो इसी कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई जिसका टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन और इसी कमीशन में जो थी वो फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन को जो था वो मेंशन किया गया था अब फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन का मेन पर्पस क्या था कि इंडिविजुअल लेवल पर ये इस चीज़ को इंश्योर करना कि किसी भी पर्सन की जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है या नहीं सोशली ग्रोथ एज वेल एज ग्लोबली ग्रोथ और यह भी चेक करना कि ऐसी एजुकेशन जो है वो किस तरह की दी जाए कि पर्सन की जो है हॉली डेवलपमेंट जो है वो हो सके कौन-कौन से हैं हैं एजुकेशन के हम आगे पढ़ते हैं। तो थर्ड इज लर्निंग टू डू एंड द फोर्थ इज लर्निंग टू बी सो फर्स्टली टू नो जानने के लिए सीखना लर्निंग टू नो जो है वो रिलेट करता है हाउ टू लर्न किस तरीके से जो है सीखा जाए जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग एरियाज में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ, होती हैं और इस उस चीज़ के बारे में जो हम आ, किस तरीके से जो है वो नॉलेज जो है वो लेंगे ये डिपेंड करता है लर्निंग टू नो के ऊपर कि किस तरीके से जो है वो हम इस उस पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जो है वो नॉलेज लेंगे ये डिपेंड करता है कि आ, इस तरीके की एजुकेशन हो जो बच्चे को जो है वो उसकी कंसंट्रेशन पावर को जो है वो इंक्रीज़ करे बच्चे की मेमोरी स्किल्स को इंक्रीज़ करे बच्चे की एबिलिटी टू थिंक को जो है वो इंक्रीज़ करे तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट आएगा इसमें मॉनिटरिंग पावर की ऐसी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करना जिससे बच्चे की जो है वो निरीक्षण शक्ति जो है वो उसका विकास किया जा सके द सेकेंड वन इज डेवलप्ड कंसंट्रेशन कि किसी भी बच्चे में जो है वो एकाग्रता विकसित करना क्योंकि कोई हम कोई भी चीज़ को जो है जब लर्न करते हैं जब तक हम उसके प्रति हमारी एकाग्रता नहीं होगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी तो हम उस चीज़ को जो है वो लर्न नहीं कर पाएंगे द नेक्स्ट in इज जर्नल स्ट्रेंथ शुड be डेवलप्ड बच्चे की जो है वो समन शक्ति का जो है वो विकास किया जाए इसके लिए जो हम पुराने से चले आ रहे जो हमारे टीचिंग मैथड्स हैं उनको हम जो है वो अपना सकते हैं द नेक्स्ट वन इज बोथ थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर बच्चे की जो है वो चिंतन एवं तर्क शक्ति दोनों का जो है वो विकास हो ऐसी एजुकेशन जो है वो बच्चे को हमने देनी है ऐसा लर्निंग इन्वायमेंट हमने जो है वो क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चे की थिंकिंग और रीजनिंग पावर दोनों जो है वो इंक्रीज हो सके इसके लिए हम बच्चे को जो है वो हम रिपोर्ट तैयार करने को दे सकते हैं बच्चों को जो है वो हम सर्वे जो है वो बच्चों का करवा सकते हैं नेक्स्ट वन इज इम्फेसिस ऑन गेटिंग साइंस एजुकेशन कि विज्ञान पर भी जो है वो हमने बल देना है क्योंकि इससे बच्चों के जो है वो उपयुक्त क्षमताओं के विकास में जो है वो मदद मिलती है ये सब अगर चीज़ें जो हैं वो बच्चे में जो है वो एक बार इंकलकेट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में जो है वो सारी योजनाओं का विकास हो जाएगा कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है और वो कैसे जो है वो अलग अलग चीज़ों को जो है वो समझ सकता है ये है हमारा लर्निंग टू नो कि जानने के लिए सीखना जो सिंपली हमारा सीधा किससे रिलेट करता है बच्चे की कंसंट्रेशन से बच्चे की मेमोरी स्किल से और बच्चे की एबिलिटी टू थिंक से हमारा नेक्स्ट है लर्निंग टू डू करने के लिए सीखना लर्निंग टू डू जो हमारा कंसेप्ट है वो रिलेट करता है लर्निंग बाय डूइंग से बच्चे की जो है वो एक्शन से बच्चे में जो है वो हमने डेवलप करनी है वेरियस स्किल्स पिलर जो है वो वो बच्चे की जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के साथ जो है वो रिलेट करता है जैसे कि बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर काम में जो है वो लगा हुआ है तो बच्चा जो है वो उसको जो है वो और कितने अच्छे तरीके से जो है वो कर सकता है ऐसे स्किल्स जो है वो बच्चे में डालने ऐसे स्किल्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आना इसमें जैसे हमारा सबसे पहले पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट कि एजुकेशन द्वारा बच्चे में ऐसे क्वेश्चनों का विकास किया जाए जिससे वो अपने आ, फ्यूचर के लिए जो है वो तैयार हो सके कि अगर इन फ्यूचर उसको किसी भी सरकमसटांसिस को फेस करना पड़े तो वो ऐसा स्किल्ड हो कि वो उस चीज़ को जो है वो इजीली फेस कर सके द नेक्स्ट वन वन इज़ कम्बाइंड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की एजुकेशन बच्चे में ऐसी योग्यता विकसित करे जिससे वे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को जो है वो कम्बाइन करके चल सकें अगला है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी एजुकेशन बच्चे को देना कि वो अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो खुद सॉल्व कर सके जैसे कि हमने स्किल डेवलपमेंट में बात की थी कि मतलब अनिश्चित भविष्य के लिए बच्चे के तैयार करना उसमें स्किल्स भरना और और डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है कि किसी भी तरह की अगर उसके सामने प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने स्किल्स को यूज़ करके अपने थिंकिंग को अपनी मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल को यूज़ करके उस चीज़ को जो है वो सॉल्व आउट कर सके द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिव एजुकेशन कि बच्चे को जो है वो क्रिएटिव एजुकेशन देना जिससे वो जो है वो खुल के वो एजुकेशन ले सके खुल से खुल के मतलब अपनी हर एक एक्टिविटी uh, को जो है वो इस तरीके से करे कि उसमें जो है वो uh, Uh, एक तरह के मतलब कि उसका मेमोरी जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका मेमोरी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सके द नेक्स्ट इज सोशल स्किल की एजुकेशन द्वारा उसमें जो है वो हमने सामाजिक कौशलों का भी जो है वो विकास करना है ये था हमारा लर्निंग टू डू नेक्स्ट हमारा पिलर है हमारा नेक्स्ट पिलर है लर्निंग टू लिव टुगेदर साथ रहने के लिए सीखना इसमें हम जो है वो पिछले दो पिलर्स को जो है वो इंक्लूड करते हैं इसमें जो है इस पिलर में जो है वो इस बात की चर्चा की गई है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है वो कितनी तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और उस इंसिडेंट्स को जो है वो टेलीविजन्स uh, द्वारा या हमारे uh, इंटरनेट द्वारा जो है वो बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने जो है वो पेश किया जाता है उससे क्या होता है कि आपसी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं तो लर्निंग टू लिव टुगेदर का जो था वो मेन पर्पस क्या था कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे बच्चा जो है वो आपस में मिलजुल कर रहें उनको जो है वो ब्रदरहुड की जो है वो हमने uh, शिक्षा देनी है इसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन को भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें हमारा पहला पॉइंट है इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन की हमने ग्लोबलाइजेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है लो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगी किसकी डेवलपमेंट होगी हमारे इनर पीस ऑफ इनर पीस इन आर माइंड एंड हार्ट द नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग नॉलेज टू ह्यूमन जियोग्राफी एंड फॉरन लैंग्वेज बच्चों को जो है वो मानव भूगोल और विदेशी भाषाओं और साहित्य की जो है वो शिक्षा दी जाए उनको इस बात से अवेयर किया जाए कि हम हाँ अपने अपने कल्चर और अपने साहित्य अपने ट्रेडिशन्स की रिस्पेक्ट के साथ साथ वो दूसरे जो लोग हैं उनके कल्चर उनके ट्रेडिशन्स को भी जो है वो एक्सेप्ट करें उनकी रिस्पेक्ट करें नेक्स्ट इज़ सोशल अंडरस्टैंडिंग कि सामाजिक स्तर को जो है वो हमने बढ़ाना है जैसे कि हमने बोला कि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा इसमें इक्वेलिटी इक्वलिटी जो है वो हम इंक्लूड uh, करेंगे कि ऐसे बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो uh, एक दूसरे को जो है वो समझें नेक्स्ट इज़ प्रॉपर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि विद्यार्थियों को जो है वो हमने uh, मतलब एक प्रॉपर इंट्रैक्शन करनी है बच्चों की बच्चों के साथ बच्चों की टीचर्स के साथ ऐसा एक इन्वामेंट क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चा जो है वो खुल के अपनी बात जो है वो टीचर के सामने रखे अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के सामने रखे अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करे और सारे जो है वो आपस में मिलकर एक एक मतलब आ, एक अच्छे तरीके से एक एक कोलेबोरेशन तरीके से कोपरेशन से जो है वो ब्रदरहुड से जो है वो आ, उस प्रॉब्लम को जो है वो शेयर करें आपस में एक दूसरे की बातों को शेयर करें इसमें क्या आपकी और क्या 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 इसमें आ जाएगी आपके आ, जैसे मैंने बोला कॉपरेशन आ जाएगा इंकरेजमेंट आ जाएगी ब्रदरहुड आ जाएगी स्प्रेड पीस आ जाएगा इसमें हर मनी आ जाएगा सब कुछ इसमें जो है वो प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट आ गया आपका वर्क विद कोलेब्रेशन की सबके सहयोग से जो है वो काम करना सिखाना इसमें आपका कोलेब्रेशन मैथड आ जाएगा इसमें आपका आ, टीम टीचिंग आ जाएगी इस तरीके की एजुकेशन देना जहाँ पे बच्चे जो है वो आपस में मिलकर जो है वो सीखने की बात करें हमारा नेक्स्ट uh, और लास्ट पिलर है लर्निंग टू बी ये जो है वो फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन का लास्ट पिलर uh, है अपने अस्तित्व के लिए सीखना इसमें मेन uh, uh, क्या है कि डेवलपमेंट लेके आना किसी ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो बच्चे की जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या होगा आपका मेंटली डेवलपमेंट सोशली डेवलपमेंट फिज़िकली डेवलपमेंट इमोशनली डेवलपमेंट मतलब हर एक तरीके से हमने जो है वो संपूर्ण विकास करना है बच्चे का नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में जो है वो स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक चिंता का जो है वो हमने विचार करना है ताकि वो अपना अच्छा और बुरा दोनों तरह से जो है वो समझ सके प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे जो है वो हमने ऐसे मतलब ऐसी शिक्षा बच्चे को प्रोवाइड हो कि वो अपनी समस्याओं का खुद समाधान कर सके और अपनी जिम्मेदारियों का जो है वो पूरा करने के लिए खुद योग्य बन सके नेक्स्ट इज द फ्री फ्रॉम थॉट्स फीलिंग एंड डिसीज़न वो अपने व्यक्तिगत विचारों भावनाओं कल्पना एवं निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो और अपनी क्षमताओं को जो है वो पूर्ण विकास कर सके लर्निंग टू बी में जो है वो यही है कि ऐसी एजुकेशन हो बच्चे की जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो करे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो इसमें ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे जो है वो बच्चा जो है वो सेल्फ स्टीम होता है वो अपने आप को पहचानता है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को पहचानता है ये थे हमारे फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन होप यू लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल